जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वक्त हूं राख में, और यहां सुंगल मोड़ से आगे आकर हमारे अखनूर के आगे यहां पड़ता है राख, और यहां पे आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। और इस सांप के बारे में आपको बता दूं, ये है हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल स्वाइपर। तो देखिए, सबसे पहली बात इस सांप के बारे में बता दूं कि ये सांप जो है वो 2 से 4 फीट जंप करके भी इंसान को काट लेता है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल स्वाइपर है। तो कोबरा क्रैब में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, बट रसल स्वाइपर में हीमोटॉक्सिक वेनम होता है। तो देखिए, डर का माहौल जो है वो बन जाता है जब सांप जो है वो कहीं हमारे घरों में निकल आता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, और बच्चों के लिए भी ये खतरा है कि कहीं पैर रख दे, या बच्चे जो हैं वो नासमझी में कहीं इस सांप के साथ खेलना शुरू कर दें। तो इसी पकड़ो, तो आप लोगों को बता दूं कि ये सांप अगर आप लोगों को कहीं दिखे तो इस सांप से उचित दूरी जो है वो बनाकर रखें, क्योंकि रसल स्वाइपर जो है वो 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो देखिए, अब यहाँ हमने इस पुली के नीचे से इस सांप को निकाला है, बट सांप जो है वो एक डरपोक जीव है, और सांप की पहली कोशिश जो है वो यही होती है कि यहाँ से भाग जाए। सांप अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है या फिर भागने की कोशिश करता है। ये देखिए, आप इस तरफ कैमरा कीजिए, ये पले हुए परिवार से ये रसल स्वाइपर है, काफ़ी बड़ा है, और खतरा जो है वो बना रहता है अगर सांप जो है कहीं आसपास निकल आए, और या फिर घर के अंदर या लॉन के अंदर निकल आए। देखिए, हमारे घरों में अनाज होता है, अनाज के पीछे चूहे हमारे घरों में घुस आते हैं, और सांप जो है वो चूहों के पीछे हमारे घरों में घुस आते हैं। तो इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो मेरे लिए मायने रखता है, और इस सांप का सेफ रेस्क्यू, क्योंकि घायल होने के बाद सांप का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम सांप को देखिए, ये मेरा सबसे आसान तरीका है एक रसल पाइपर को पकड़ने का, रेस्क्यू करने का। देखिए, होता क्या है कि इंसान बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं हमारे भारत में, बट कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा वाहवाही लूटने के चक्कर में सांप को बिल्कुल अपने करीब ले आते हैं या कुछ भी। बट मेरा जो तरीका है वो सेफ यही है कि सांप को आसानी से हम रेस्क्यू कर लेते हैं बिना घायल किए हुए। देखिए, घायल होने के बाद सांप के ज़िंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि छोटे छोटे से जो जीव होते हैं वो सांप को ज़िंदा नहीं रहने देते। तो इसका सेफ रेस्क्यू किया जा चुका है। तो धन्यवादी हूँ मैं अपने, इसको पैक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इधर ले आइए। देखिए कितना सुंदर ये सांप है, ये देखिए। बट इसका काम जो है वो बहुत ही खतरनाक है, हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप। इसके दांत जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और इसके अंदर हीमोटॉक्सिक वेनम होता है। तो मेरे भाई बिक्की ने मुझे कॉल की थी कि यहाँ पे एक सांप दिखा है। तो बिक्की, ये कब देखा है आपने? ये अभी कोई आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले तो आपने ही देखा था सबसे पहले? नहीं, इन्होंने देखा था। अच्छा, तो चलो, गनीमत ये है कि इस सांप की वजह से कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, और भगवान शिव की कृपा से कोई भी मिसहैपनिंग जो है इस सांप की वजह से नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पे परिवार है, और ये छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो मैं इसी पकड़ो, तो देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, और ये छोटे जो बच्चे हैं इन बच्चों को सांपों के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए सांप जो है खेलने की चीज़ हो सकती है, पर खतरनाक हालात जो है वो बन जाते हैं जब सांप कहीं ना कहीं किसी को काट लेता है। तो बट इसके साथ ही मेरा ये संदेश है कि कोई झाड़ फूंक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बीड़ा नहीं, आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है,
अगर कोई भी सांप आप लोगों आप में से किसी को काट लेता है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जाके टेस्ट होगा और पता चल जाएगा कि आपको काटने वाला सांप जहरीला है या नहीं है। तो देखिए ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है। तो मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से यही अनुनय विनती करूँगा कि अगर ये ऐसा सांप कहीं आपको दिखे तो इससे उचित दूरी बना लें, क्योंकि ये सांप जो है वो 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इसे पैक करते हैं और ये देखिए इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमारा मोटिव होता है और आपके सामने बिल्कुल सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे बोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।